कहाँ से आए हैं आप? भदोही जिला से, थाना चौरी से। तो क्या वहाँ पे तो, क्या समस्या है कि वहाँ एक्सरे नहीं हो पा रहा है? वहाँ की मशीनें बिगड़ी है, डॉक्टर कहते हैं आप मेरे से मशीनें बिगड़ी है, डॉक्टर नहीं, पूरी सेवा उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। आप लोग चले जाइए जो है सोनभद्र, सोनभद्र के लिए तुरंत रेफर कर देते हैं। यहाँ आता हूँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, हम लोग को 2-3 चक्कर काटना पड़ता है। पांडे कहाँ से आए हैं आप? मिर्जापुर, लालगंज थाना पड़ता है। तो क्या समस्या है आप लोग? मिर्जापुर में नहीं होता है क्या एक्सरे? नहीं, एक्सरे मिर्जापुर से यहाँ भेज देते हैं, सोनभद्र के रेफर कर देते हैं, रेफर करते हैं। और यहाँ जो है स्टाफ कम है, भीड़ ज़्यादा हो जा रही है, 3 जनपद इसमें हो रहा है, भदोही हो गया, मिर्जापुर और सोनभद्र, तीनों यही होता है सरकारी पूरा। क्या नाम है आपका? रामदास जायसवाल। कहाँ से आए हैं? मिर्जापुर जिले से। क्या समस्या है? यहाँ यही डॉक्टर जो वहाँ से रिफर किए हैं। किस मामले में क्या समस्या थी, किस मामले में रिफर किए हैं? वहाँ डॉक्टर नहीं है, जिले में हड्डी के डॉक्टर नहीं। अरे समस्या एक्सरे, एक्सरे रिपोर्ट समस्या है सबसे मेन पॉइंट। बोलिए। अच्छा तो मतलब भदोही और ये मिर्जापुर दोनों जनपद के लोग आ रहे हैं? जी जी सर, अभी मामला ये आ रहा है कि भदोही के लोग, मिर्जापुर के लोग यहाँ पर एक्सरे कराने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कई बार दौड़ना पड़ता है। क्या मामला है सर? नहीं, भीड़ की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि एक ही रेडियोलॉजिस्ट हमारे ज़िले में है, पूरे मंडल में है हमारे, वो भी सोनभद्र में पोस्टिंग होती है, और जबकि भदोही और मिर्जापुर में कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ये सारे केस जिला अस्पताल सोनभद्र में ही आते हैं, और उनको और जिला अस्पताल सोनभद्र की खुद अपने यहाँ इतनी भीड़ होती है, यहाँ काम करने वाले बहुत पेशेंट हैं, मेडिकल वगैरह और तमाम होते हैं, तो रिपोर्टिंग करने के लिए तो समय तो लगता है उसमें, रिपोर्टिंग भी क्योंकि कोर्ट में उसे जाना पड़ता है, देना पड़ता है, तो वो सोच समझ रिपोर्ट बनाई जाती है, इससे समय लगता है उसमें।